हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। जी हाँ, ये अंडे देख के आपको समझ आ गई होगी कि आज मैं शौकीन शेफ में क्या बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये शौकीन शेफ सीरीज क्या है, इस सीरीज में मैं वो चीज़ें बना रहा हूँ जो मैं अपने लिए, जी हाँ, सिर्फ अपने लिए घर में पकाता हूँ। और ये चीज़ें मैं बचपन से ट्राई करता हूँ और ये जो नॉर्मल बाजार में मिलती हैं या हम घरों में बनाते हैं, उससे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा मैं अपना टेस्ट के हिसाब से उसमें चेंजेस लाता हूं और वो चीज़ बनाता हूं। आज ऐसी ही चीज़ अंडे की, और अंडे का फंडा मैं आपको बता दूं, अंडे का फंडा ये है कि भाई अंडा इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। तो चलिए अपना इम्यून और स्ट्रांग करते हैं और बढ़िया सा मसाला ऑमलेट बनाते हैं, लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले ऑमलेट के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये कढ़ाई रखी, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। मसाले में मैं प्याज टमाटर यूज करूंगा, लाल मिर्च, नमक, और कोशिश करते हैं एक आध चीज़ और मिक्स करने की। तो ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें तेल डालते हैं थोड़ा। ऑयल थोड़ा यूज़ करेंगे, थोड़े ऑयल में मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये ऑयल गर्म हो गया है, देखते हैं भाई। यस, गर्म हो गया। इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे, बिल्कुल साइड से हाथ करके डालें अगर आप ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करते, क्योंकि अगर सीधा सेंटर से ऊपर से डाल देंगे तो हाथ जलने का डर है तेल से। तो ये प्याज को पहले भून लेते हैं। तो ये शर्र की आवाज़ें तो आई गई होंगी आपको। ये हल्का सा भून जाए फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। मैंने दो मीडियम प्याज लिए हैं। मैं वैसे भी ये मसाला बना के रख लेता हूँ, काफ़ी जगह मसाला मेरा इस्तेमाल होता है। ऑयल थोड़ा सा ही यूज़ करना है। एक मैंने बड़े ज़माने पहले एक दूरदर्शन पे शो देखा था कुकिंग का, संजीव कपूर जी का, उसमें वो दिखाते थे थोड़ा सा माइनर सा ऑयल यूज़ करते थे और पानी से पकाते थे मोस्टली। तो जो डाइट कॉन्शियस हैं, ऑयल कम खाते हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। ऑयल थोड़ा ही यूज़ करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे। तो अब जा रही है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने तो रेडीमेड वाली जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है। अच्छे से पकाते हैं इसको। मुझे जिंजर गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद है सब्जियों में। और अब ये जो मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, हाँ हाँ, देखिए बहुत खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। तो अब ये प्याज अच्छे से पक गया है, इसमें और ऑयल नहीं डालेंगे। मैं ज़रा सा पानी डाल दूंगा ताकि नीचे चिपके ना। उससे पहले इसमें डालते हैं टमाटर। मैंने दो मीडियम टमाटर लिए हैं।
अच्छे से टमाटर को इसमें पकने देंगे। आप छोटा छोटा भी टमाटर कर सकते हैं, काट सकते हैं, मैंने थोड़े बड़े रखे हैं। इसको अच्छे से पकने देना है। अब इसमें नमक डाल लेंगे और जो दूसरे मसाले हैं। मैं ज़रा सा पानी डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं चिपक ना जाइए। बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि हमने ये सूखी सूखी ही बनानी है जो मसाला हम बना रहे हैं। अच्छे से हिला लीजिए। अब इसमें आ गया है टाइम नमक मसाले डालने का। ये गया नमक, ये गई लाल मिर्च, ये थोड़ी सी हल्दी और इसको अब अच्छे से पकने देते हैं। हल्दी के अपने फायदे हैं और साथ में कलर भी अच्छा दे देता है, तो इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो अब ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, अच्छे से पक चुका है। इसमें मैं ये जो मैगी मसाला होता है ये डालता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है और ये थोड़ा सा स्पाइस भी बढ़ा देता है। तो थोड़ा मसाला ये इसके साथ, अगर आपके पास ओरेगेनोज हैं, मेरे घर में यार कभी पिज़्ज़ा उज़ा आता है ना, मैं ये चीज़ें संभाल के रख लेता हूँ ओरेगेनोज, तो इसका मुझे बढ़िया टेस्ट आता है। अगर नहीं है उसके बिना भी चलेगा, लेकिन अगर है तो ये डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट देगा ये मसाले में जो हम ऑमलेट का मसाला बना रहे हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया खुशबू और ये ऑलमोस्ट मसाला तैयार है। तो ये मैं अंडे फेंटने लगा हूँ। 3 अंडे लिए मैंने, उसमें नमक, लाल मिर्च और साथ में मैंने आई गेस 3 चम्मच इसमें दूध डाला होगा। इसको अब मैं मिक्स करूँगा ऑमलेट के लिए। तो चलिए अब तवा गरम कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल रखेंगे तवे पे। को गर्म होने देते हैं। तो ये मैंने पैन रख लिया है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें जो हमने अंडा फेंटा है वो डालेंगे। ये ऊपर हल्का सा ऑयल भी डाल लिया मैंने।
थोड़ा सा और गर्म हो जाए। और ये आइए, तो इसको 2-4 मिनट लगेंगे अच्छे से पकते हुए। इसको फैला लेते हैं। और इस एग को हमने पलटी नहीं मारनी, इसको स्लो आंच पे ही पकाना है एक साइड से, दूसरी साइड को भी ऐसे नहीं पकाना, इसको हल्का सा ही ऐसे ही कच्चा रहने देंगे। इसको बस पकने दीजिए इसी तवे पे। तो ये प्लेन ऑमलेट बिल्कुल तैयार है तवे पे। अब इस पे हम जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल लेते हैं, ये लीजिए, और एक ही साइड डालना है कॉर्नर पे। इसको अच्छे से फैला लें। ये गया मसाला। तो मसाले के बाद अब मैं इसमें एक चीज़ का स्लाइस डाल रहा हूँ। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तब भी चलेगा, उसके बिना भी बहुत स्वाद लगता है। तो ये देखिए, अब इसमें करना क्या है, अब इसे हमने फोल्ड करना है एक साइड से, एक साइड से ध्यान से करना है, टूटे ना। ये देखिए बढ़िया से पक गया ये, और हमें ज़्यादा नहीं पकाना, इससे ज़्यादा ध्यान रखना है बस। ये लीजिए, तो ये ऑलमोस्ट डन है हमारा मसाला ऑमलेट। तो ये था मसाला ऑमलेट बाय भूका सांड ऑन शौकीन शेफ। और इसके अलावा मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको 2-4 आइटम्स और दिखाऊंगा ब्रेड ऑमलेट की, जो मैं अपने लिए बनाता हूँ। वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं काफी डिफरेंट है, और मैंने आज तक कहीं खाई भी नहीं है वैसी इतनी कोई। तो वो चीज़ें आपको मैं इस शौकीन शेफ में पेश करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है आप लोगों ने ये चैनल रेसिपीज़ देखने के लिए नहीं सब्सक्राइब किया, आपने रिव्यूज़ देखने के लिए किया, लेकिन एक न्यू ऑडियंस बिल्ड हो रही है। अगर आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, बहुत ही सिंपल सिंपल ईजी ईजी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं रसोई में, आपके पास टाइम है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी सजेशन हो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।